interesting activities. ठीक है, इन्वेस्टिंग में मैंने क्या बताया था, क्या क्या आता है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो आएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेल कर रहे हैं नॉन करेंट असेट्स, परचेज करने में कैश जा रहा है। अगर हमें किसी भी तरह का रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो प्लस में चला जाएगा, तो प्लस वाले पे मतलब। तो ये जो फिगर आएगी ये आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ये मैंने बताया ही था कि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो हम क्या करते हैं कि अगर असेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो उसे परचेज लेते हैं, डिक्रीज हो रही हैं तो नॉमिनल अमाउंट है तो डेप्रिसिएशन लेंगे 10-20%, और अगर उससे ज़्यादा है तो सेल लेंगे, है ना? ये हमने कल किया था, याद है? अब इफ एडजस्टमेंट्स adjustment is given, तो हम क्या करते हैं, asset account बनाते हैं। उस asset account का balance तो यहाँ आएगा, to balance BD, opening balance तो यहाँ आएगा, closing balance यहाँ आएगा, by depreciation charged during the year, वो यहाँ आएगा, by bank account जो sale है वो यहाँ आएगी, bank account जो परचेजेस है वो यहाँ आएगी, गेन ऑन सेल यहाँ आएगा, लॉस ऑन सेल यहाँ आ जाएगा। अगर हमने असेट्स परचेज की है और उसके बदले में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ इशू किए हैं, ठीक है, अगर हमने असेट्स परचेज की है और उसके बदले में कैश पेमेंट ना करके शेयर्स, डिबेंचर्स या कुछ इशू किए, तो डेबिट आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? फिर अब इनकी प्लेसिंग कहाँ होगी, ये तो हमने लिख दिया, इसमें तो कोई फ्लो ही नहीं है, नो फ्लो, तो ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, नो फ्लो है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग में प्लस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में प्लस हो गया, सेल ऑफ असेट इन्वेस्टिंग में प्लस हो गया, तीनों आइटम प्लस हो गई, दो ऑपरेटिंग में और एक इन्वेस्टिंग में। इधर से परचेज किया है तो इन्वेस्टिंग में माइनस, और गेन ऑन सेल है तो ऑपरेटिंग में माइनस। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो ये हम बताते हैं असेट अकाउंट, और ये असेट अकाउंट हमारा बन रहा है नेट पर, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, नेट पर। ठीक है, जो भी हमारा नेट या बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, उस अमाउंट पे बनता है सारा। समझ में आया, क्लियर हुआ ये सारी चीजें? इसके बाद अगर हमें ऐसा दिया हुआ है कि असेट
पे ही बनाना है और इसकी जगह हमें यहां दिया हुआ है accumulated depreciation या provision for depreciation। तो हमारी सब चीजें सेम रहेंगी। देखो ये बैलेंस बीडी जो यहां था, टू पेन, टू गेन ऑन सेल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स। डेबिट साइड पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्रेडिट में सिर्फ एक ही फिगर चेंज होगी, बाय डेप्रिसिएशन की जगह बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी आइटम सेम, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल और बाय बैलेंस शीट, सब कुछ सेम है। ठीक है, जबकि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये प्रोविजन है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, टू बैलेंस बीडी सॉरी सीडी। अब ये जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये यहां आ गया, टू असेट अकाउंट। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। जो भी असेट हम सोल्ड कर रहे हैं उस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन था वो यहां आ जाएगा, और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो अब ये हमारा ऑपरेटिंग में प्लस होगा। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर प्लस होगा था ना, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ही प्लस होगा, क्योंकि ये फिगर तो ऊपर नीचे आई गई ना, बाकी ये तो है ही, इन्वेस्टिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में प्लस, इन्वेस्टिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में माइनस और इन फ्लो। बस समझ में आया? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिंगल अकाउंट बनाना है या ये दोनों बनाने हैं? हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें ये दिया हुआ है कि एट कॉस्ट है तो हमें ये बनाना है, या हमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया हुआ है तो हमें ये बनाना है। ठीक है, और नहीं दिया हुआ ये बनाएंगे। समझ में आया? गॉट इट? श्योर? आ गया?